गाने कैसे लगे? थोड़ा जोर से बोलो। ओके, थोड़ा माइक जरा नीचे करो, उनकी शक्ल प्री मैरिटल सेक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर तो फिल्म ही नहीं है। किरदार जो है, जो किरदार है, इट्स नॉट अबाउट प्री मैरिटल सेक्स। किरदार बहुत ही धिनचौक है, बहुत ही पटाखा टाइप है, बहुत ही लाइक फुल ऑफ फायर, बहुत बहुत बिंदास कैरेक्टर है। और मेरे लिए प्ले करना बहुत आसान था बिकॉज यूपी की लैंग्वेज यूज़ की है, मैं यूपी से हूँ, इटावा से हूँ, यही सब बोलते हैं हम लोग घर पे। तो फॉर मी इट वॉज लाइक अ केक वॉक, मुझे कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी, बस थोड़े से डायलॉग के रिहर्सल एंड थोड़ा सा अंदर से अंदर की पिया को जगाना पड़ा है। आई वाज ऑन सेट। ये भाई साहब सेक्स में बहुत इंटरेस्टेड है, इनके पास सेक्स के अलावा क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं, मैं दर्शन की बात कर रहा हूं। दर्शन ने अंडरस्टैंडिंग है उमंग कुमार के साथ, क्या कहते हैं, कैसे क्या दर्शन ऐसा? जब मुझे पहली बार पता चला था कि जो मेरे को एक्टर है वो दर्शन है, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज दर्शन बहुत अच्छे एक्टर है। तो इतने अच्छे एक्टर के साथ जब आप काम करते हो तो आपका काम भी निखर कर आता है। तो आई वॉज लाइक कि मुझे ये फिल्म कैसे भी करके करनी है। ये इसमें रोमांस भी है, एक्शन भी है, थ्रिलर भी है। सो एक फिल्म में जो सब चीज़ें मिक्स होती हैं, आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी चाहिए तो आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। एक पर्टिकुलर जॉनर वी कांट कॉल इट, एवरीथिंग इज देयर। कोई भी चीज अननेसेसरी नहीं है, गालियाँ जबरदस्ती नहीं दी है, गालियाँ वहाँ पे दी है जहाँ कैरेक्टर की डिमांड होती है, और उतनी दी है जितनी रियल लाइफ में। तो जो भी होगा सेंसर जो भी बोलेगा सर आंखों में। दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिए, आपके फैन के लिए क्या कहना चाहिए? 14 मार्च कुछ फिल्म रिलीज हो गया। मैं ये बोलना चाहूँगी कि फिल्म बहुत बहुत प्यार से बनाई है, फिल्म में एक सोल है, और थिएटर में जाओ वहाँ पे देखो, आई एम श्योर आप लोग डिसअपॉइंट होकर बिल्कुल नहीं लौटो। थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये भी बहुत अच्छी फिल्म है, दूसरी है कि फिल्म का कोई भी किरदार हो, कोई भी फिल्म हो, एक्टर को उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी एक छोटी फिल्म या बड़ी फिल्म हो उसके लिए। तो ये जो रोल मुझे एक्चुअली बहुत डिफरेंट है मेरी एनएसएन और मैरी कॉम और सरबजीत से, सो इसे करने में बहुत मज़ा आया। और डिफ़िकल्टी इतनी हुई कि पूछो मत, क्योंकि इसका जो बैकड्रॉप स्टोरी है मिर्ज़ा की वो बहुत ही टफ है, इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, इसके लाइफ में बहुत कुछ घटता है, और ऊपर से फिर आप समझ सकते हैं कि इसको प्यार हो जाता है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्यार के बाद कैसी बात लगती है बंदे की। सो करने में मुझे सारे रोल्स जितने मैंने अभी तक किए बहुत मज़ा आया, और सबके लिए एक जैसी मेहनत करनी पड़ी। सर देखिए, ये प्री मैरिटल सेक्स वगैरह का तो इतना जो हमने दिखाया है पूरी स्टोरी फिल्म उस पर नहीं है। फिल्म इज आज के मॉडर्न डे पे यूथ कितना कंफ्यूज है, कितना प्यार में डूबा हुआ है, कितना प्रैक्टिकल है, और कितना यू नो अपने आप को पुश कर पाता है, उस तरह की एक फिल्म है। ये बहुत ही स्मॉल टाउन की एक यू नो लव स्टोरी है जो हर इंसान अपने आप से यू नो एक दूसरे रिलेट कर पाएगा। तो ये आज की फिल्म है, यूथ की फिल्म है, और उनके कन्फ्यूजन और प्यार की फिल्म है। सो आई थिंक ये सबको पसंद आएगी, जैसे कि हमारा ट्रेलर पसंद आ रहा था। मुझे तो बहुत ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि बी पॉजिटिव एंड आई बहुत मैंने फिल्म देखी है, हमने काम किया है, हमने बहुत दिल से फिल्म बनाई है, सो काफ़ी पॉजिटिव है इस फिल्म के लिए। और मेन बात है कि हमारे अभी तक जो ट्रेलर लॉन्च हुआ उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सबसे, सो आई थिंक आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द फिल्म। आई थिंक इस मामले में ये आंसर देने के लिए प्रोड्यूसर बहुत अच्छे इंसान रहेंगे, तो अभी प्रोड्यूसर जी का नंबर आएगा, उनसे आप पूछिए क्या वो मेहनत करेंगे और क्या सेंसर तक पहुंचेगा। मेरा काम तो हमने कर दिया। 14 अप्रैल को
आप फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही हमने दिल से फिल्म बनाई है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है और ये आज यूथ की फिल्म है, हमारी आपकी फिल्म है, कन्फ्यूजन लव और जो एक यू नो इस फिल्म में सब कुछ है, एक्शन है, ड्रामा है, इमोशंस हैं, लव है, इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। सो आप लोग प्लीज़ जाइए और इसे देखिए। थैंक यू। मैरी कॉम के बाद आपने यही फिल्म किया? नहीं, मैरी कॉम के बाद मेरी एनएसएन आई, उसके बाद मेरी सरबजीत आई और अब इसके बाद मिर्जा जूलियट आ रही है। सो इससे पहले मैं 3 फिल्में कर चुका हूँ। थैंक यू, थैंक यू। देखिए फिल्म में जो है मैं एक बनारसी बना हूँ, मेरा नाम है राजन पांडे। अच्छा, फिल्म में मैं बनारसी बना हूँ, मेरा नाम है राजन पांडे और हमारे पिताजी बने स्वानंद किरकिरे साहब और वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, राजनीति में है और चाहते हैं कि हम भी राजनीति में जाएं, लेकिन हमको जूलियट से बहुत प्यार है तो हम चाहते हैं कि हम उनसे शादी करके घर बसाएंगे, ये हमारा किरदार है। ट्रेलर बहुत अच्छा था, फिल्म है ना आपके प्री मैरिटल सेक्स के बारे में बात कर रही है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं देखिए, हम पे संदेश नहीं देना चाहते, समाज को बदलना नहीं चाहते, हम सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं और आज का टाइम ऐसा है कि जहाँ प्री मैरिटल सेक्स में मुझे लगता नहीं कोई इश्यूज हैं किसी भी शहर में, छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, इंटरनेट इतना हावी हो गया हर जगह कि हर आदमी जो है हर चीज़ जानना चाहता है और करना चाहता है।